नमस्कार, इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस वेले गुरदासपुर तो वड्डी खबर है जी, जिथे गुरदासपुर तो किसानी अंदोलन अते दिल्ली विच 26 तरीक नू ट्रैक्टर मार्च कढ़न वास्ते किसान आगू गुरदासपुर तो अज ट्रैक्टर नाल रवाना हो गए हैं, जिस विच साडा पंजाब एकता फंडरेशन दे आगू इंद्रपाल सिंह ने कई किसान आगुआ नाल जिथे केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की, उत्थे ही अज गुरदासपुर तो कट्ठे हो के दिल्ली ट्रैक्टर मार्च लई वड्डी गिनती विच रवाना होए, जिथे किसान आगुआ दा कहना सी कि जिथे केंद्र सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया होया है, लेकिन उत्थे ही किसान भी किसे कीमत ते ये खेती कानूनों नूं रद्द करन तो बगैर वापस नहीं मुड़नगे। देखो इंसाफ टीवी ते साडे ब्यूरो दीपक सैन की खास रिपोर्ट की किवें किसान आगुआ ने केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी करदे होया केंद्र सरकार के खिलाफ रोज तादा होया, जिथे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च वास्ते गुरदासपुर तो रवानगी ली। नमस्कार, इंसाफ टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं तुहाडा अपना दीपक। ते जिथे अज किसानां ने जिथे आ केंद्र सरकार दे नक दे विच दम करके रखिया, तां उत्थे ही बीती रात किसान जथेबंदियां वालों मोदी सरकार वालों जो एक ऑफर दिता गया सी कि दो साल वो कानून नूं रद्द कर दिंदे हन, तुहाडी एक कमेटी बना दिंदे हन, तां रात नूं जिहड़ा किसान जथेबंदियां ने वह भी जिहड़ा उहनां दा ऑफर जिहड़ा ठुकरा दिता, तां अज दिल्ली जिते विच जिथे 26 जनवरी नूं ट्रैक्टर परेड दा किसानां वालों जिहड़ा अंदोलन कीता ऐलान कीता गया सी उसनूं सफल बनाउण लई अज गुरदासपुर तों साडा वीर इंद्रपाल सिंह उहदे नाल साथी जिहड़े आ उहदे किसान आगू जिहड़े आ अज जिहड़े आ इक्को मंच ते इकट्ठे हो के जिहड़े आ दिल्ली नूं रवाना हो रहे आ। ते सब तों पहलां गल करदे आ इंद्रपाल जी नाल कि जिथे उहनां दा जज्बा जिहड़ा उसे तरह बरकरार आ, ते कई कठिनाइयां नूं उहनां नूं सामना वी करना पिया, बड़ियां अड़चनां पाईआं, लेकिन उन्होंने जज्बा जरा उस प्रकार ही बरकरार आ। इंद्रपाल जी, बड़िया औकड़ा आई आ, बड़ा कुछ देखना पाया, लेकिन 10 तो मस्त तो ही भी नहीं हुए, तो मोदी सरकार के अगे भी उस प्रकार 26 जनवरी की परेड जी उ ट्रैक्टर मार्च में हल करने गुरदासपुर तो रवाना हो रहे हो, की कहना चाहोगे, किन्ने जने तुहाडे नाल जिहड़े इत्थों गुरदासपुर तो जिहड़े नाल जा रहे हैं जी? सब तो पहला तो यह कहना चाहवांगे भी जो गुरदासपुर तो अगस्त तो पहला भी काफ़ी वड्डे जथे नौजवानों के और वक् वक् पिंडों तो जा चुके हैं, और हूँ जी कॉल 26 जनवरी की आई है किसान जथेबंदियों वालों के ट्रैक्टर किसान ट्रैक्टर परेड जो 26 जनवरी रिंग रोड के उपर की जानी है, और सारे ही सूबे अज असी गुरदासपुर के भी एक वड्डा काफिला नाल लैके जा रहे हैं, जिदे वक् वक् पिंडों तो ट्रैक्टर ट्रालियां ट्रैक्टर और गड्डियां लैके वीर साढ़े पहुँचे ने, क्योंकि इन्हां दे विच रोस आ जो सरकार ने काले कानून साडे उत्ते लाए आ, आने वाले समय च जो साडी खेती दे उपर यह काले कानून थोपे जा रहे आ, लगातार साडे वीर डटे हुए ने इन्हां नूं कानूनां नूं रद्द कराउण वास्ते, और जिन्नी देर तक यह कानून रद्द नहीं हुंदे असीं इस तों पिछे पैर नहीं हटदे, और जिहड़ी 26 तरीक की गल आ उह बड़े ही शांतमई ढंग दे नाल जथेबंदियां ने एक ऐलान भी कीता आ कि जिदां असीं पहलां भी शांतमई ढंग दे नाल पिछले 4 महीने तों अपना अंदोलन कर रहे हाँ, हुण भी एक किसान ट्रैक्टर परेड है बड़े शांतमई ढंग दे नाल होएगी, और जेकर कोई सरकार उहदे विच अड़चन पाउंदी आ जां कोई परमिशन नहीं दिंदी ते उत्थे कोई भी अणसुखावी घटना वापरे ते उहदी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन दिल्ली और केंद्र सरकार ही होएगी। अजे तक किसान जथेबंदियों नूं पुलिस प्रशासन ने उत्थों ने अजे इजाजत नहीं दित्ती, किस तरह देखदे हो जी? इजाजत ते पहलां भी नहीं दित्ती सीगी इन्हां ने भी दिल्ली जाण दी, उदों भी हरियाणा सरकार दी एक बेवकूफी सी भी कि सानूं बड़े ही शांतमय ढंग जो किसान साढ़े पंजाब तो जा रहे थे और उन्होंने हरियाणे बार्डर के उपर रोकया गया, पर फिर भी उन्होंने बैरीकेड तोड़ के बड़े ही शांतमय ढंग के नाल असी हुण प्रोटेस्ट करते पे हाँ, और अगे भी जो साड़ी मंग आ जथेबंदियों ने यो ऐलान किया आ कि साड़ी जो किसान ट्रैक्टर परेड हो जा रही है बड़े ही वधिया तरीके डिसिप्लिन के नाल और शांतमय ढंग के नाल होएगी, जेकर ये तो हुण जथेबंदियों का ऐलान कर दिता गया है कि असी ट्रैक्टर परेड करनी आ, यह तो पुलिस प्रशासन को चाहिए कि साडे नाल कोऑपरेट करन, क्योंकि असी अपने शांतमय ढंग के नाल अपनी मंग कोई भी रख सकते हैं। उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जिहड़े मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिता है कि यह पुलिस की अपनी गल है, सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं आ, किस तरह जित देखते हो उन्हूं तुसीं जी? इहदे विच दे जित वाली तो चलो सारिया गल्लां सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ कि लोग जो अपना शांतमई तरीके दे नाल अपनी हकों की गल करते हो तो उन्होंने किसी तरह भी हटाया नहीं जा सकता, वो आपका प्रोटेस्ट रोस
हर गल दे उते कर सकदे आ, अपनी मंग सरकार अगे रख सकदे आ, और इहदी ओह सरकार सब कुछ करा रही है जिहड़ा लोकतंत्र भंग करन वल कीता जा रहा, और लोगों की आवाज ही नहीं सुनी जा रही। असी भी इसे देश भारत वासी हाँ, किसी बाहरले देश तो आए नहीं हुए, ये जिन्ना भी भारत आ यह सारा किसानों के सिर से ही चलता है, इन्हों की की मेहनत द्वारा ही सारा भारत सारा अज जो है वह रोटी खा रहा है। किन्ने किसान जथेबंदियों के आगू जो गुरदासपुर तो अज रवाना हो रहे जी? जिन्या भी स्पोर्टिंग पार्टियां है सारे आपो अपने जथेबंदियों के नुमाइंदों नाल लैके व्डे काफले लैके जा रहे हैं, और तुम पिछले दिन वेख्या भी आलग अलग कस्बे ट्रैक्टर मार्च भी होए ने, उतों तुम गिनती का पता लग ही जाना आ कि अज कितनी वड्डी गिनती दे विच उत्थे साडे काफले गुरदासपुर तो पहुंचे ने। मैनूं लगदा आ कि तकरीबन कल्ली सिर्फ मैं हवा च गिनती नहीं करांगा, 500 तो 600 ट्रैक्टर ट्रालियां गड्डियां अज सिर्फ गुरदासपुर तो ही निकल के जाणगियां। किन्नियां औकड़ां दा सामना करना पिया इस अंदोलन तो जो तुसीं जुड़े हो जी? लगातार तुसीं देखदे आए हो, मीडिया वाले तुसीं कवर करदे वी हो कि जिथे असीं आराम नाल अपनियां हक्कां दी गल कर रहे हां, पहला तो सरकार कोई सुनवाई कर नहीं सी रही, और जो दिल्ली जाने की गल की इन्होंने उहो ही सड़कों से सानू रोकिया जो साडे द्वारा दिते गए टैक्स तो बनदियां ने और साडे देश दियां सड़कां ने, तो जे असीं अपनी मंग रख के क्योंकि दिल्ली जा रही हैं तो उत्थे जिहड़ियां औकड़ाइयां भी तुहाडे सामने ने कि पूरे खट्टर सरकार ने हरियाणे दे विच वख-वख थां ते रोकां ला के इन्हां नूं रोकना चाहिया, पर उहदे विच साडे किसानां दी जित होई, इन्हां दे जज्बे दी जोश दी जित होई आ, और अज जिहड़ी सरकार इन्हां अगे झुक रही आ वो भी साड़ी एकता और जोश और जो एक दृढ़ इरादा आ उहदा ही नतीजा है। ये सन इंद्रपाल सिंह जी किसान आगू तां जिन्हां ने अज दस्सिया आ कि किवें औकड़ां दा सामना करना पिया, लेकिन जज्बा जिहड़ा उसे प्रकार ही बरकरार आ। हुण साडे नाल किसान आगू होर आ। सर तुसीं दिल्ली रवाना हो रहे हो, जज्बा उसे प्रकार आ, लेकिन लगता नहीं कि केंद्र सरकार जिहड़ी आ टस तों मस हो रही है? वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। केंद्र सरकार जी टस तो बस हो ही पई आ, बस थोड़े एक दो दिन ढेलिया जेडे किसान आगू ने उन्होंने धौन से गोडा मोदी से पूरा रखा, मोदी बिल्कुल हुण फिसिया पिया, बस फैसला देने दे एक अद्धे दिन की गल। आप इतों गुरदासपुर तो उत्तों माझे के उत्तों 25-30 ट्रालियां लै के हुण चले हैं, उत्थे लखां करोड़ां के हिसाब नाल दुनिया पहुंची हुई है, तो वो धौन से गोडा रख के अपने हक लवेंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 120-125 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਰੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਮਾਰਚ ਦਾ,
भी एक बहुत ही शांतिपूर्वक रह के असी जाबते दे विच जिहड़ा कढ़ांगे। वह वक्री गल भी सरकार जान बुझ के इस चीज़ को हवा बना रही है, एक डरावा जहा दे रही है भी पता नहीं देश की एकता अखंडता इस तो कोई खैर पैदा खतरा पैदा हो जाना, पर इदा की कोई गल नहीं। जिदा का चार महीने तो चल रहा ये उस तरह ही 26 तरीक का प्रोग्राम साडा। एक गल होर सर पूछना चाहांगा कि जिहड़े आ किसानां नूं किसानां को नोटिस दिते जा रहे हैं NEIA वालों, अज तक इतिहास के पहली बारी होया कि जे कोई शांतमई तरीके बैठा गया तो उन्होंने नोटिस किए जा रहे, जबकि वो अपना हक मंगने लिए शांतमई तरीके कर रहे हैं। यो ही हरकतों तो यो लक्षणों तो लगता भी सरकार डरी हुई है। ये नोटिस ने जोड़े दस रहे हैं, किसी लंगर लाने वाले नोटिस आ गया जां किसी शहीद परिवार की मदद करने वाले नोटिस आ गया, कहता मतलब भी सरकार डरी हुई है। ये सानू लक्षण जिदा कोई बीमारी होए ना पीलिया हो पता लगता भी अखा पीलिया ने भुख नहीं लगती, इस तरह ये लक्षण तो सानू लग रहा भी सरकार डरी हुई है। 26 तो पहला पहला यदा कोई हल कढ़ ले भली गल आ, नहीं तो 29 तरीक नू अगला जिहड़ा बजट सैशन शुरू होना सरकार दे गले की हड्डी बन चुकिया जिहड़ा अंदोलन है। सानू असी अपने हकों लई लड़ रहे हैं, सरकार अपने लई लड़ रही है भी साडा बचाव हो जाए किसी तरह, पर हुण सरकार दे सारे रस्ते बंद ने क्योंकि किसानां दे एके ने, मजदूरां दे एके ने, देश दे किसानां दे एके ने, सरकार दा जीना हराम कीता होया, उन्हां नूं कोई भज्जन नूं राह नहीं लभदा पिया। इस वेले असीं वेखीए कोई मंत्रालय इस वेले देश दे विच काम नहीं कर रहा, हरेक मंत्री खेती मंत्री बन गया, कोई भी मंत्री है वह खेती मंत्री बन गया, वह अपनी जिहड़ी स्टेटमेंट है वह खेती दे उत्ते दे रहा, कहिंदा मतलब बाकी मंत्रालय नहीं नज़र आ रहे पूरे देश दे विच। किसान जिहड़े आ सरकार दी गल दी हड्डी बन चुके आ, साडे नाल बजुर्ग आगू भी जुड़े आ किसान आगू। बापू जी इस अंदोलन को किस तरह देखते हो तुसी? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अही जी चले आ हुण दिल्ली, अही जो हुण कोई हल करके जम आवांगे, अही जो हुण पूरी तैयारी करके पूरी घरों पुछ के गिछ के भी साडी मैज ना रखियो, अही हुण करके हल मका के फिर किसे बन्ने लगना, अभी हम इन्ना चेर आना नहीं गा, अभी एक घड़ी मुड़ी नहीं हाडे को इन्ना चेर जाया जाता, अभी तो भावें उदा तो मैं सू दो साल भी लग जाए तभी अं रहे, पर अं छेती तो छेती मुका चाहते हाँ, पर सरकार मन जे तो ठीक ही आ, चलो अगे इन्हों की मर्जी है ना मने, पर अं मना के छड़ना इन्ना ही गलों का। मैं बापू जी अज तक कभी इदा का अंदोलन देखा अपने तो ही बड़ी जिंदगी दे विच बहुत कुछ देखा कि जे कोई शांतमई तरीके अंदोलन करता पाया उत्थे जाके तो उन्होंने जोड़े आ नोटिस तक जोड़े दिते जा। हाँ जी वो जी ये तो मन जाना तो चंगे रहन के बड़ा वधिया है, बड़ी उत्थे इन्नी संगत बाद बैठी ही कोई सौखी थोड़ी बैठी आ, ये इस करके बैठी आ, इन्हें इको सरकार ने फड़िया काम भी बस सिखा थले लाओ तो गुरु भी साढ़े थले नहीं लगे तो लगना हम ही थले। अंदोलन बैठे उन्होंने गुरु के सिखा अतवादी शब्द न बुलाया जा रहा, संबोधन किया जा रहा कुछ लोगों वालों, किस तरह तुम देखते हो? ये अतवादी है जी, इन्होंने सिखा सारे अतवादी बनाता, अही अतवादी तो है ही नहीं, अही सिर्फ अपनी मंग मंगन रहे हैं, साड़ी मंग जी सू जिन्हें कानून काले वापस लैन, अही वापस आईए तो जे नहीं तो अं हूँ कोई बने गल ला के छड़नी, अं हूँ वड्डा थोड़ा मुड़ना। ये सन किसान आगू वह जिन्होंने कहा कि एक किसी ना किसी गल पास वापस दिल्ली तो वापस नहीं आने वाले। कैमरामैन जक्ष सैनी के नाल ब्यूरो दीपक सैनी जी, खास रिपोर्ट।